हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेकलेस अनबॉक्सिंग। सो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं एक हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में, जो कि है ओजीवा ब्रांड से, और ये है एक आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो इस वीडियो में आपको पूरी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ओजीवा का प्लांट प्रोटीन कैसा है, इसके अंदर इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे, और ये है इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट, ये भी मैं आपसे फुल डिस्कशन करूंगा, और इसका हम एक छोटा सा मिक्सिबिलिटी टेस्ट भी करेंगे, और इसका मैं फुल आपसे एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि ये मेरे को कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं काफी ज्यादा हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास है ओजीवा का बायो एक्टिव प्लांट प्रोटीन, और इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे। तो मैं पहले आपसे थोड़ा सा ओजीवा के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं कि ओजीवा एक वन ऑफ द इंडिया का मोस्ट ट्रेंडिंग एंड मोस्ट बेस्ट सेलिंग ब्रांड है प्रोटीन का। ओजीवा के बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आते हैं, और जो इनका ये लेटेस्टली बायो एक्टिव प्लांट प्रोटीन आया, आई थिंक ये इनका जो प्रो सीरीज है ये उसमें काउंट होता है। तो चलिए अब इस बॉक्स के कुछ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के ऊपर क्या कुछ मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हो इसकी जो ब्रांडिंग हुई है, ये 1 kg का आपका पैक है, और ये आपको मिलने वाला है मैंगो फ्लेवर के अंदर, और इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलने वाला है इसकी पर सर्विंग के अंदर, और इसके अंदर आपको 5.5 ग्राम्स ऑफ BCAA मिलने वाले हैं, और इसके अंदर जीरो एडिड शुगर है। और आप देख सकते हो इस बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया है कि ये क्लिनिकली अप्रूवन है, आपका 4 times जो आपकी रिकवरी है उसको फास्ट करेगा, और ये अराउंड 60% जल्दी एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी के अंदर। तो चलिए अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इसको थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ। पहले हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कंपनी ने मेंशन किए गए हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो मैंने इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट चेक करी है उसके अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो चलिए अब इस बॉक्स के कुछ न्यूट्रिशन फैक्ट्स की तरफ चलते हैं, फिर इस बॉक्स को ओपन करके इसका थोड़ा सा मिक्सिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो इसके जो सर्विंग साइज है, आपको 27 सर्विंग साइज मिलने वाला है, मीन्स आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 month के इजिली निकल जाएगा, और जो इसका सर्विंग स्कूप है वो आपका 36 ग्राम का एक स्कूप होगा, और उस स्कूप के अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है मैं आपसे वो डिस्कशन कर लेते हैं। इसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं जो आपको 36 ग्राम के स्कूप के अंदर मिलने वाले हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो सबसे पहले कंपनी ने मेंशन किया गया कि आपको जो प्रोटीन की वैल्यू इसके अंदर मिलने वाली है, आपको 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलने वाला है, और जिसकी कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू आपको 6.5 ग्राम मिलने वाली है, और इसके अंदर आपको विटामिन एंड मिनरल्स की जो कॉम्प्लेक्स है वो भी बहुत अच्छा मेंशन किया गया। आप देख सकते हो इसके अंदर आपको विटामिन ए, विटामिन सी, D2E, B1, B2, B3, B6, B12, बायोटीन, B5 एंड कैल्शियम, आयरन और जिंक भी इसके अंदर आपको अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हो ये 100% वेगन है, मीन्स ये प्लांट बेस्ड से ही बना गया है, और इसके अंदर कोई भी डायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए थे जो इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स कंपनी ने मेंशन किए गए कि आपको इसके अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। तो चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स फैक्ट्स की तरफ चलते हैं, और आप देख सकते हो सबसे पहले ही कंपनी ने मेंशन किया गया कि इसके ऊपर आपको 78% प्रोटीन है वो आपका पिया प्रोटीन आइसोलेट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और जो 2% है वो ब्राउन प्रोटीन आइसोलेट से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और आप देख सकते हो इसके अंदर मैंगो पाउडर का इस्तेमाल किया गया है 10%, और देख सकते हो इसके अंदर आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स का भी ब्लेंड बहुत अच्छा मिल रहा है, जो कि इसको एक कंप्लीट प्रोटीन बना देता है आपकी डेली लाइफस्टाइल के अंदर। तो अगर आप जिम जाते हो या नहीं जाते तब भी आप इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जिम जाना जरूरी है इस प्रोटीन को लेने के लिए, आप इसको डेली अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हो। और जो आपका प्लांट प्रोटीन है ये बहुत ही ज्यादा सर्टिफाइड है, आप देख सकते हो इसको GMP सर्टिफिकेशन मिली हुई है, ये FSSAI सर्टिफाइड है, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरे पास इसकी फुल डिटेल लैब टेस्ट रिपोर्ट है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा अभी, आपसे मैं शेयर भी करूँगा। और आप देख सकते हो ये टोटली 100% वेगन है, सोया फ्री है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये जीरो एडिड शुगर है, ग्लूटेन फ्री है, और इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस का यूज़ नहीं किया गया, मीन्स ये 100% आपकी हेल्थ के लिए सेफ एंड सिक्योर्ड है। तो हमने डिस्कस कर लिए थे इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स, और जो इसके इंग्रेडिएंट्स फैक्ट्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए इस बॉक्स को अब हम ओपन करके देखते हैं इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है, और इसका हम एक छोटा सा मिक्सिबिलिटी टेस्ट करेंगे, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको ये प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, और इसकी जो ओरिजिनल लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया, तो आप देख सकते हो मैंने इस बॉक्स को ओपन कर लिया, और बॉक्स के ऊपर ही मेरे को स्कूप मिलने वाला है। तो देख सकते हो कंपनी ने कितनी पैक्ड वे में स्कूप को इसके अंदर डाला है। तो ये है इसका 36 ग्राम का स्कूप, ये इसके अंदर पैक था, और देख सकते हो कंपनी ने कितना इसको सिक्योर्ड एंड सेफ बनाया हुआ है। ये कुछ ऐसा पाउडरिश फॉर्म में आता है, और मेरे को बहुत ज़्यादा इसकी जो मैंगो फ्लेवर की फ्रेग्रेंस है वो आ रही है अभी। तो चलिए अब इसका एक मिक्सिबिलिटी टेस्ट करके देखते हैं कि कितनी जल्दी वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है।
तो मैंने इसके अंदर कुछ 400 ml वाटर डाला हुआ है अभी, और मैं इसका एक स्कूप इसके अंदर डालूंगा और फिर मैं आपसे इसके मिक्सिबिलिटी टेस्ट देखेंगे कि ये कितनी जल्दी वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर फुल स्कूप, और इसको हम शेक करेंगे अब और देखते हैं कि कितनी जल्दी वाटर के अंदर डिजोल्व होता है। और जो इसका मैंगो फ्लेवर है, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है मैंगो की। तो चलिए इसको शेक करते हैं। तो देख सकते हो, तो आप देख सकते हो फुली ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया और इसके अंदर कोई भी ब्लोटिंग नहीं है। ये कुछ ही फ्यू सेकंड्स में ही वाटर के अंदर फुली डिजोल्व हो गया। और अब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि टेस्ट वाइज कैसा है। इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, जो इसका मैंगो फ्लेवर कंपनी ने यूज़ किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है टेस्ट करने में। और ज़्यादा स्वीटनेस नहीं है इसके अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया, इसके अंदर कोई भी ब्लूटिंग नहीं है। तो जो हमारा वाटर टेस्ट था वो सक्सेसफुल रहा है। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं और डिस्कस करते हैं कि आपको ये जो प्लांट प्रोटीन है ये आपको क्यों लेना चाहिए। तो ये जो प्लांट प्रोटीन है आपकी मसल रिकवरी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपकी जो एंड्योरेंस पावर है उसको इंक्रीज करेगा, और जो आपकी रिकवरी है उसको फास्ट करेगा, जो आपकी मसल ग्रोथ है बॉडी के अंदर उसको इंक्रीज करेगा। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर प्रोटीन की वैल्यू कितनी अच्छी है। जो प्रोटीन होता है आपकी बॉडी के लिए मोस्ट एसेंशियल होता है आपकी मसल बिल्डिंग के अंदर, और जिसके अंदर BCAA आपकी जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड की प्रोफाइल है वो भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी मेंशन की गई है। और इस प्रोटीन के अंदर आपको 9 एसेंशियल एमिनो एसिड की प्रोफाइल भी मिलने वाली है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप एक प्लांट प्रोटीन पर जाना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ओजीवा के बायो एक्टिव प्लांट प्रोटीन को ट्राई करें। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया इसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं, इसके इंग्रेडिएंट फैक्ट हैं, इसका हमने मिक्सिबिलिटी टेस्ट करके देख लिया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आपको ये प्लांट प्रोटीन कब लेना चाहिए, तो और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप जिम जाते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको पोस्ट वर्कआउट में लें। जब आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर देते हैं तो इसको आप वाटर के अंदर डिजोल्व करके इजीली कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आप जिम नहीं जाते तो आप इसको मॉर्निंग में भी ले सकते हो और इवनिंग में भी ले सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी बॉडी बिल्डिंग के अंदर, आपकी जो डेली डे टू डे लाइफ रूटीन है उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपकी जो एंड्योरेंस पावर है, आपको पूरे दिन के अंदर जो पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए आपके वर्क करने के लिए, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको पोस्ट वर्कआउट में ट्राई करें। अगर आप जिम नहीं जाते तो आप इसको अपनी मॉर्निंग रूटीन के अंदर ले सकते हैं। तो चलिए अब इसके लैब टेस्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट है। तो ये है इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट, आप देख सकते हो, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हो जो इसके अंदर सबसे पहले मेंशन किया गया कि इसके जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो अपीयरेंस है, येलो कलर का जिसका जो पाउडर है, का जो टेस्ट है वो मैंगो टेस्ट के अंदर है। और जो इसके pH वैल्यू आपको 5-7 pH वैल्यू मिलने वाली है। जो इसके अंदर कैलोरीज आपको मिल रही है, आपको 120 कैलोरीज मिलने वाली है। और आप देख सकते हो इसके अंदर जो लैब टेस्ट में इसका प्रोटीन की वैल्यू आई है, आपको 23 ग्राम्स आया है। तो देख सकते हो आप, कंपनी ने मेंशन किया कि 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, बट जो इसकी लैब टेस्ट मेरे पास निकल के आई है इसके अंदर आपको 23 ग्राम्स मिल रहा है। जो लैब टेस्ट में आया है अप्रॉक्स 2% लेस आया है, बट आई डोंट थिंक कि आपको 2% में कोई इतना इशू होना चाहिए। तो जो कंपनी ने मेंशन किया है 25 ग्राम्स, और जो मेरे पास आया अराउंड 23 ग्राम्स है, तो मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा है कि इसका जो टेस्ट रिपोर्ट है और जो कंपनी ने मेंशन किया है ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है। और जिसके अंदर कार्ब्स आपको मिलने वाले हैं 5.9 ग्राम्स के अंदर कार्ब्स हैं, और जिसके अंदर BCAA की वैल्यू है आपको 5 ग्राम्स के BCAA मिलने वाले हैं। और इसके अंदर आपको विटामिन ए, सी, फॉस्फोलिक एसिड और इसके अंदर कैल्शियम मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो ये जो इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं और जो कंपनी ने इसके ऊपर न्यूट्रिशन फैक्ट्स मेंशन किया है ये अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल ही सेम है टोटल। तो चलिए अब चलते हैं इसके जो हैवी मेटल एनालिसिस टेस्ट हैं, इसके अंदर लेड और मर्करी की वैल्यू भी बिल्कुल 0% है। तो ये 100% लैब टेस्ट और जो कंपनी ने मेंशन किया है 100% मैच होता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप एक प्लांट प्रोटीन पर जाना चाहते हो, मैंने आपसे इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी शेयर की, इसका हमने मिक्सिबिलिटी टेस्ट भी किया, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप एक प्लांट प्रोटीन को लेना चाहते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक ओजीवा के प्लांट प्रोटीन को जरूर ट्राई करें। मैं इसको खुद ट्राई कर रहा हूँ अपनी बॉडी बिल्डिंग के अंदर, अपने फिटनेस के अंदर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। और अगर आप इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके इजीली इसको बाय कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो जिम जाते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, आप उनको भी ये रिकमेंड कर सकते हो और ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।